dog brain! ट्रिक्सी रुको भी, आखिर हुआ क्या है? कुछ देर पहले हम नाश्ता कर रहे थे और उसके बाद अचानक यहाँ। मेरा मतलब मैंने उससे माफ़ी मांगी, इसमें मेरी गलती नहीं थी, नाश्ता प्रॉन्टो ने बनाया था। मेलानॉइड का नाश्ता पचाने के लिए मेरे जैसा पेट होना चाहिए जी। मैं इसलिए वहाँ से नहीं निकली, वैसे कुछ वजह वो भी थी। जब मैंने वो देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, ये वाकई में सच है। No way! वो एमिक बोसलग असल में है। मेरे पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे उल्टी आ रही है। एमिक बोसलग? मैंने पहले कभी नहीं सुना, वो ऐसा क्या करता है जो इतना खास है? कोई नहीं जानता, सब लोग सोचते हैं कि एमिक बोसलग सिर्फ एक झूठी कहानी है और शायद ये तो आखिरी वाला बचा है। इसे ट्रांसफॉर्म होते किसी ने नहीं देखा। तो अगर हमने जल्दी की तो उसे ढूंढने और चलाने वाले हम पहले होंगे। शायद इससे भी अच्छा, हम उसकी फिल्म उतारने वाले पहले लोग होंगे। ये जगह तो कमाल की है, देखकर अच्छा लगा कि स्लग टेरा में ऐसी भी जगह है जो खराब नहीं हुई है। खराब नहीं थी पर अब हो गई। और शायद हमसे पहले भी यहाँ कुछ लोग आ चुके हैं। स्लग हंटर्स, और ये भी एनिग्मो को ही ढूंढ रहे हैं। पहले कि वो सारा जंगल तबाह कर दे हमें उन्हें रोकना होगा। मुश्किल है, मेकाज वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि मशरूम्स के छोटे छोटे टुकड़े मेकाज में फंस सकते हैं और इनकी हालत। तो हमें वहाँ चलकर जाना होगा। कॉर्ड चलो। ये ठीक नहीं है, पैदल चलकर स्लग का शिकार करेंगे, ये तो जंगली वाला है जी। हाँ, बिल्कुल इसी तरह करना चाहिए जी। हाँ, अगर तुम्हें एनिग्मो नहीं चाहिए तो। पर हम तो उसे पाने के लिए काफी उत्सुक थे। जैसे ही तुम में से किसी को मिलेगा वैसे ही हम उसे खरीद लेंगे, वो भी अच्छी कीमत देकर। मैं इसे अच्छी कीमत बिल्कुल नहीं कहूँगी क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा अच्छी कीमत है। ओ, अगर हम इतने ही अमीर हो गए हैं तो तुम मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते हो क्या? मुझे आखिरकार एक नया मेका बीच मिलेगा जिसमें आरामदायक सीट्स होंगी, एक सोने से बना हैंडबैग, साथ में मेरी कंघी भी। नहीं रुको, एक नया स्कार्फ। हाँ जी, प्रॉन्टो सपने देखना बंद करो। ये तो बहुत सारा सोना है पर पता नहीं मैं बेच सकूंगा कि नहीं। तुम्हें शायद ही मौका मिले क्योंकि कुछ लोग पहले से ही काम पर लगे हैं, पर अगर तुमने उसे पहले ढूंढ निकाला तो वो सोना तुम्हारा होगा। दोस्तों संभाल कर। नहीं, तुम एनिग्मो नहीं हो। चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारे लिए कोई ढेर सारा सोना नहीं देने वाला। हम पर हमला करने की हिम्मत कैसे की तुमने? मुझे बात करने दो ट्रिक्सी। देखो, हम सब एनिग्मो को ढूंढने के लिए उतावले हैं, पर मुझे लगता है उसे ढूंढने के लिए इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं।
हे, पता है क्या, ये बच्चा सही कह रहा है। हॉप रॉक्स इस्तेमाल करने के बजाय क्यों ना हम फ्लेयरिंग गोस्ट को इस्तेमाल करके सारे पेड़ों को जला दे। अगली बार अगर मैं ही बात करूं तो कैसा रहेगा इलाई? अच्छा रहेगा। प्रॉन्टो, टेज़रलिंग स्लग तुम्हारे पीछे है। मैं देखता हूं। ओह, उससे बात नहीं बनी। माफ करना प्रॉन्टो। घर जाएगा। देखो, लगता है एनिग्मा वहां रेंग रहा है। कोई बात नहीं, ये बस बेकार पत्ता है। ठीक है, ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। ओह, लगता है ये किसी तरह का जाल है। ये उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और तुम आखिर किस तरह के स्लग हो? हे हे, यहाँ बहुत सारे स्लग्स रहते हैं। सिर्फ एनिग्मो ही नहीं, तुम उनके घर को तबाह कर रहे हो। और इसे देखो, तुम्हारे जाल में ये स्लग फंस जाता। इलाई, यही तो एनिग्मो स्लग है। और वो मेरा जाल है। स्टॉकर, मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ हैं, वरना हम यहाँ रुकते ही नहीं। निकलो अभी। तो इस बार तुम बात करने वाली हो ना? तुम ठीक तो हो ना? वो गेरहोल्ड स्टॉकर है, स्लग टेरा का सबसे खतरनाक स्लग हंटर। वो बात नहीं करता। लोग कहते हैं कि अगर तुमने उसे देख लिया तो तुम गए काम से। अरे मियां, इसलिए उसे एसपी किए गए थे, शांत पर खतरनाक। माफ करना, पर मुझे तो लगता था शांत पर खतरनाक का कुछ और ही मतलब है। वो बिल्कुल मेरे पीछे है ना? वो एनिग्मो स्लग और मेरा जाल, अभी दो। हे, इससे पहले कि ये तुम्हारे जाल में गिरता, मैंने इसे सही तरीके से ढूंढा है। मैं यहाँ सही तरीके से खेलने नहीं आया, मैं तो यहाँ स्लग देकर उससे ढेर सारे सोने को ले जाने आया हूँ। मैंने कहा था ना, तुम्हें ही बात करनी चाहिए थी। अलग अलग हो जाओ। तुम्हें ये स्लग चाहिए? ठीक है, तो फिर ये लो। जब तुमने एनिग्मा को फायर किया, मैं देख नहीं पाई। प्लीज मुझे बताओ, वो ट्रांसफॉर्म होते वक्त कैसा दिख रहा था? नहीं बता सकता। पर क्यों? क्योंकि मैं भी उसे देख नहीं पाया। Yeah.
वो डॉगी कहाँ गए? मुझसे मत पूछो। गॉड, इलाई को एनिग्मो ने हिट किया और अब वो ठीक से देख नहीं पा रहा है। दरअसल मुझे कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। असल में मुझे लगता है एक की जगह मुझे दो दिख रहे हैं। बोलो आ रहे हैं। क्या मैंने उसे मारा? लगता है निशाना चूक गया। आप चलो। मेरी बात मानो तो हमें साथ साथ चलना चाहिए जी। वो स्टॉकर कहीं भी हो सकता है। हाँ, प्रांटो ने सही कहा। क्या है ना, स्टॉकर बिल्कुल मेरी तरह ही मशहूर है। पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल है, क्योंकि प्रांटो लोगों की मदद करने के लिए जाना जाता है और स्टॉकर जाल बिछाने के लिए। उसने शायद सारे गुफा में जाल बिछाए होंगे, इसलिए तुम सबको मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। हाँ देखो, बिल्कुल आइस है, आइस। फंस गया, मेरे फंसा नहीं, मिल गया। देखा, अपनी जान दांव पे लगा के मुझे एक जाल मिल गया। ये जाल तो बड़ा ही हाईटेक लग रहा है, पर इसे कैसे खोलते हैं ये मैं जानता हूँ। देखो, मैं अब भी कहता हूँ कि इलाई बिल्कुल बेकार हो गया है, इसलिए तुम्हें मेरी बात। प्रांटो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई दे रहा है। सॉरी, मैं कहता हूँ कि अब भी मेरी बात मानो और यहाँ से निकल चलो जी। हम नहीं जा सकते, इलाई की ये हालत एनिग्मो की वजह से हुई है और कोई नहीं बता सकता कि ये ठीक कैसे होगा। हा? हमें एनिग्मो को ढूंढ कर पता लगाना होगा कि इलाई का इलाज कैसे किया जाए। हाँ, अगर वो स्टॉकर को ना मिला हो तो। ओ, मुझे पूरा यकीन है कि उसे वो अभी तक नहीं मिला है जी। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो असल में वहाँ है। और वो ट्रिप बार पर खेल रहा है। मैंने पकड़ लिया। तुम ठीक तो हो? बस एक ट्रैंक्विलाइजर डार्ट है। पता है एक केव ट्रोल को बेहोश करने के लिए कितने डार्ट चाहिए? ये बिल्कुल सही है। अब चलो, हमें एनिग्मो को उनसे पहले ढूंढना होगा। हम कॉर्ड को ऐसे नहीं छोड़ सकते। स्टॉकर को एनिग्मो चाहिए, कॉर्ड को नहीं। हम उसे बाद में देख लेंगे जी। एनिग्मो काफी नजदीक है, अपनी आंखें खुली रखो जी। शायद मैं ये काम नहीं कर सकता। शायद कैमरा के जूम इफेक्ट से दिख जाए। हाँ, वो मिल गया। शायद ये दुनिया का सबसे बुद्धू स्लग है और इसीलिए ये एक लौता है जो बचा है। वो जाल में गिरने वाला है। ट्रिक्सी, मैं ठीक हूँ। प्रांटो, अब सब तुम्हें ही करना होगा, जाओ। देखा यहाँ है। हिलना बिल्कुल मत। स्लग के ये शिकारी सिर्फ डरे हुए को मारते हैं। अगर हम चुपचाप खड़े रहे ना तो ये हम पे हमला बिल्कुल नहीं करेंगे। देखा तुमने? नहीं। अब एनिग्मो को पकड़ने चलते हैं जी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। इनके नोकीले दांतों को मत देखना जी। उनकी खौफनाक आंखें, उनके पंजे जो आसानी से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं।
भागो, भागो। क्या हुआ प्रोंटो? क्या एनिग्मा मिला? हाँ, मुझे मिला। बस इतना ही? तुम यूं ही यहां से चले जाओगे? खत्म कर दो उसे। रुको, मैं शिकायत नहीं कर रहा था, मैं तो बस पूछ रहा था। घबराओ मत गोपी, हमें बस उन्हें बताना है कि हम उनसे डरते नहीं। हाँ, ये थोड़ा आसान होता अगर मैं डरा हुआ नहीं होता। अच्छी बात है कि डॉगी पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, पर लगता है ये वाले चढ़ सकते हैं। चलो स्पिनो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। स्पिनो, तुम्हारी बारी है। तुम फेल हो गए, तुम्हें दिखाई नहीं देता? नहीं, फिलहाल तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। और अगर तुम एनिग्मो को भी लेकर यहाँ से चले गए तो तुम मेरे ठीक होने की दवा भी ले जाओगे और मैं अपने दोस्तों को ढूंढ नहीं पाऊंगा। मैं जानता हूँ कि वो स्लग बहुत कीमती है, पर मेरे लिए वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो जब तक मुझे कुछ नहीं होता, मैं हार नहीं मानूंगा। तुम बहुत बात करते हो। क्या? ये मैं नहीं चाहता था। मैं देख सकता हूँ, शायद कुछ ज्यादा ही। भले ही सारी जगह जाल बिछाए हो, पर मेरे पास इस गुफा का सबसे बेहतरीन हथियार है। वो, तुम वाकई में अच्छे जाल बिछाते हो। तो अब क्या तुम आखिरी बार एनिग्मो से कुछ कहना चाहते हो इससे पहले कि तुम उसे दोबारा ना देखो? शायद नहीं कहना चाहते। चलो दोस्तों को ढूंढते हैं और यहाँ से निकलते हैं।
तो एक मिनट, इस दुनिया का सबसे मशहूर स्लग असल में सिर्फ तुम्हारी आंखों को खराब करता है और दोबारा हिट करने पर वो फिर से पहले जैसा करता है। पर सोचो अगर हम दुश्मन को इससे पहले हिट करें, फिर तो वो बिल्कुल हार ही जाएगा। और मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर ये ऐसा था जैसे शायद उससे मुझे कुछ ज्यादा ही दिख रहा था, जैसे वो मुझे कुछ और ही बताना चाहता हो। ओ, तो तुम्हारा मतलब एनिग्मो तुम्हारी आंख को अंधा करने के अलावा कुछ और भी करता है? हाँ, अगर तुम इसे ठीक से इस्तेमाल करना जान सको तो बिल्कुल। देखो जी, मुझे लगता है कि हमारे मेकर्स वहाँ होने चाहिए। हाँ। ये तो ताज्जुब की बात है। मुझे सोचने दो, आपको लगा स्टॉकर ये करेगा? वो बस आता ही होगा। आप चाहे तो उसके लिए रुक सकते हैं, पर उसके पास ये नहीं है। बहुत खूब, आपने कीमत बताओ। ये देखते हुए कि मैंने और मेरे दोस्तों ने इसे पाने के लिए क्या क्या किया है, मुझे नहीं लगता मैं इसे बेच पाऊंगा। और तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं कहूँगा कि तुम बिल्कुल गलत हो। सोचो इसे बेचकर सोना मिलेगा, उससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये रहा हमारा कार्ड, अगर ख्याल बदले तो हमसे मिल लेना। शुक्रिया, पर मुझे लगता है उसके लिए भी आपको इंतजार करना होगा। नहीं, वो आएगा, मैं उसे मनाऊंगा। इला, रुक जाओ, अब जरा सोचो इससे हम क्या क्या खरीद सकते हैं। एक फुट मसाजर, एक नेक वार्मर, एक चमकीला स्कार्फ और एक प्यारा सा स्मूथ तकिया भी।